माया त्यागनी है, बिख त्यागनी है, नशा त्यागना ही है माया। दो स्टेप तो ये जिथे तक गुरबाणी सानू उपदेश करती है, कन्ना से सुनने वाली, अखा से देखने वाली जी वस्तु, वो औगण छड़ने छड़ने ने। और औगण लाए कर रहे असी लाए भी असी अखा और कन्ना तो बाद ने जन्म लैके ही लाए ने औगण, ये पहला तो छड़ने ने। जद छड़ते उस पोजिशन च आ गए असी जिहड़ी गर्भ चो पैदा होने वाले सी बाल बुद्ध, औगण छड़ के बाल बुद्ध विच प्रवेश करते हैं। धन्ने पायो बाल बुद्ध, बाल बुद्ध हो जी जमण वेले बुद्ध होंगी, उदो कोई बैरी बगाना नहीं होंगे, उदो कोई अपना पराया नहीं होंगे, हूँ बाल बुद्ध नहीं हैगी। बाल बुद्ध भी अर्थ होर करी फिरते हैं, जैसे जी उन्होंने बुद्ध हजे अर्थ ने। बाल बुद्ध बालक की बुद्ध, जन्म वेले की बुद्ध, उन्हें कोई पता नहीं अपना जात का नहीं पता, गोद का नहीं पता, न्याणा चाहे पंडता का हो कोई चक लो कह दे मैं पिटता कोई फर्क नहीं, बाद सब इको ने। दो स्टेप दो पौड़ियां तो धर्मखंड के आके ज्ञान दियाँ सिर्फ सानू औगण छड़ाउंदियां ही ने, कपड़े की मैल कढ़दियां ने, मन की जिहड़ी मैल भर गई ना वह मैल कढ़दियां ने। बाकी दो पौड़ियां की कर दियां ने, जिहड़ा कुछ असीं करन आए थे ना फिर वह स्टार्ट होता, वह तो बाद स्टार्ट होना है। जो औगण छड़ना कोई भगती नहीं है, मैल लगी थी मैल धोली, जे मैल धोन नू भगती मान लिया फिर होम विच भर गया, होम विच धोवै। जिहड़ा आदमियों ने मैल छड़न नू भगती मान लिया ना औगण छड़न नू, होम विच मैल भरी गई थी हंकार से धो रहे ने, हंकार गया ही नहीं उन्होंने, औगण ही छड़ दिंदे। औगण कमें छुट गया, होम विच भरी है होम विच धोवै तो भी हंकार से रहे ने, तो गह अजो रोड़ा पिया तो क्या पिया, पंथी को दुख दे, तू पंथियों इत्थे रोक लेगा, इत्थे रोके पंथी दुख च ने माया च रह जाएंगे। जे राह दे विच जगियासू तेरा ही चेला बन के रह गया ना, जीवन गया उहदा, तेरा तो गया ही गया उहदा भी गया, आही कुछ हो रहा है। जिड्डा कोई संत है उदो गाह नहीं जान दिंदा, ये बहुत डूंगी गल सी जिहड़ी कबीर ने कही है। जिन्ना ज्ञान है कहिंदा मैं ही हाँ, जो कुछ हाँ मेरा चेला बन जाओ, आप गाह नहीं जाना चाहुंदा। पंथी को दुख दे, हर जन ऐसा चाहिए जो धरनी वेखे मिट्टी बन जाए, वजूद मिट जाए, खे भी कुछ नहीं है वह भी कटती, खे प्या तो क्या प्या, खे अखा च पा दी किसी से चंगी है, उड के मूँह के नक् के शरीर के कपड़िया के पै जाए उन्होंने धो रहे हैं समा चंकी है। अजो खे अडाऊगा जो बोलूगा ज्ञान दऊगा, हाले वो अंदर खे है जो जेडे इस अगली अवस्था च भी ज्ञान देंगे ना वह भी खे अड़ाउणगे, संत सारे खे अड़ाते हैं। इनू धूड़ कहते ने खे नड़ाती खे, आप कहने ना ये खे अड़ाते ने सारे, हूँ उत्थे ही सारा गुरमता जोड़े प्रचार करते रहे उन्होंने खे अड़ाई है, खे अड़ाई है माया ने जोड़े ने, इतने तक भी खे अड़ाओगे ती जोड़ लागे अंग खे पही तो क्या पिया, जे बोलोगे खे अड़ाओगे अखा च पा दोगे कट्टा अगले दे, मलीन करोगे उन्हें कुछ नहीं कर सकते। तो सारे लोगों की बुद्ध मलीन हो ही पई है भी गुरुद्वारे पता नहीं की मिलता है, गुरबाणी की कहती है की कहने, खे उड़ाई हुई है ना लोगों ने, खे का आसर है जी खे उड़ के पई हुई है ना अखा च। हर जन ऐसा चाहिए जो पानी सरबंग
ਪਾਣੀ ਸਰਬੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਗੜਵੀ 'ਚ ਪਾ ਦਿਉ, ਗੜਵੀ ਵਰਗਾ, ਬਾਲਟੀ 'ਚ ਪਾ ਦਿਉ, ਥਾਲੀ 'ਚ ਪਾ ਦਿਉ ਥਾਲੀ ਵਰਗਾ, ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਬਰਫ਼ ਜੰਮ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਮਾੜਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਧ ਦੇ ਜਾਵੜਿਆ ਉਸੇ ਦਾ ਚੇਲਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਗਲ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕੱਟਿਆ ਤਾਂ ਸਦਾਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਬੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਦਾਈ ਹੈ ਫਿਰ। ਪਰ ਖੇਰ ਉਹਦਾ ਧੋ ਦਿੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਫਲਾਣਾ ਐਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਢਿਮਕਾ ਐਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਐਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਦੂਜੇ ਨੂੰ, ਖੇਹ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਖੇਹ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਦਾ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਖੇਹ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਧੋਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਧੋਂਦੇ ਨੇ ਖੇਹ ਨੂੰ, ਖੇਹ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਚੰਗਾ, ਪਰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਮਾਇਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦਾ ਸਰੀਰ ਤੇ ਹੀ ਖੜ ਗਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਧੋਂਦਾ, ਪਾਣੀ ਵਰਗਾ ਸੁਭਾਅ ਦੱਸਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਹੋਈ, ਕਿਸੇ ਪੰਡਿਤ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਾਹਮਣ ਦੀ। ਜੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਕਬੀਰ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਬਾਰਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀਆਂ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨੌ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬਾਰ 'ਚ ਨੌ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।